तो ये सही क्रॉस कर गया, ठीक है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम अमित, आई एम फ्रॉम रेवोल्यूशन। तो आज हम थोड़ा यूनिक कंटेंट लेके आए हैं। जो आज हमने जो हमारा लैंड रोवर रोबोट था उसको हमने कनेक्ट कर दिया है, या जो हमारा सेंटरपीट रोबोट था उन दोनों को एक साथ कपल कर दिया। तो यहाँ पे हम लोग टास्क क्या दिखाना चाह रहे हैं कि जो हमारा टैंक रोबोट है वो क्या करेगा, इस सेंटरपीट रोबोट को इसकी पर्टिकुलर लोकेशन पर ले जाएगा जहाँ पर ये जा नहीं सकती। तो ये इसे क्या करेगा, टो करके ले जाएगा। तो जैसे जैसे ये मूव होगा वैसे वैसे ही इसके पीछे पीछे मूव होता रहेगा। तो मैं अभी आपको थोड़ा इसका एक बार वर्किंग दिखा देता हूँ, फिर मैं इसके आपको बेनिफिट्स बताता हूँ कि ये कैसे कैसे वर्क करता है। तो अभी ये सेंटरपीट रोबोट को टो कर रहा है। एक्चुअली यहाँ पे प्रॉब्लम यह है, जो सेंटरपीट रोबोट है वो जो ये हाइट है, जो मतलब यहाँ पर जो स्लैंट सरफेस है, इसके ऊपर क्लाइम नहीं कर पाता। तो जो टैंक है एक पावरफुल रोबोट होता है, जो टैंक हमने जो बनाया वो पावरफुल रोबोट है, तो ये इसे इजीली उस सरफेस तक टो कर लेगा। तो आप देख रहे हैं कि टैंक भी थोड़ा यहाँ पे मेहनत कर रहा है ऊपर चढ़ने में, तो क्योंकि हाइट और अच्छी होता है ऐसी चढ़ाई के लिए। तो जो सेंटरपीट रोबोट था वो नॉर्मल सरफेस पे और थोड़े से जो सरफेस है उन एरिया पर तो चल जा रहा था, लेकिन जो ये हाइट है, जो ये चढ़ाई है, इस पर यह चढ़ नहीं पा रहा था, तो इसलिए हमने इसे टैंक के साथ एम्बेड किया। तो अब जो सेंटरपीट रोबोट है वो आ चुका अपने लोकेशन पे, अब हम लोग इसे यहाँ से रन करेंगे, देखते हैं कैसे मूव करता है। ये जो रेल रोबोट्स हैं, जो मल्टी लेग्स रोबोट होते हैं, उनके बेनिफिट सबसे मेन ये होता है कि ये किसी भी सरफेस पर मूव कर सकते हैं। इन केस अगर वहाँ पे कोई भी गहराई या जिस टाइप का भी स्लोप आता है तो ये उसको भी मूव कर जाते हैं। इनके सबसे बेनिफिट ये होता है कि किसी कोई भी डेप्थ एरिया, जो एरिया मतलब जिसकी डेप्थ ज़्यादा है, वहाँ पे कोई भी जो फोर व्हील हो टू व्हील हो वो स्टक हो जाएगा, क्योंकि उसको कोई आगे बैक से या फ्रंट से कोई चीज़ पुल या पुश नहीं कर रही है। तो इसमें क्या होता है कि अगर ये एरिया स्टक हो जाता है, इनकेस ये एरिया स्टक हो जाता है, तो उसके दो टाइप के फोर्स मिलते हैं। जो फ्रंट व्हील होते हैं वो इसे पुल करते हैं, पीछे वाले बैक व्हील जो होते हैं वो इसे पुश करते हैं। तो यहाँ अगर कोई सरफेस भी ना रहे इस एरिया में जहाँ पर डेप्थ है, गहराई है, तो वहाँ पर भी ये ईज़िली मूव हो सकता है ईज़िली, ठीक है। तो इस टाइप से मतलब आप इस टाइप के रोबोट बना सकते हैं, हमने बना हुआ, आप इसकी लेंथ और बढ़ा सकते हो और ज़्यादा हाई पावर जो टॉर्क है वो ले सकते हो। तो ये जो इशू है यहाँ पे, थोड़ा हमने जो इसकी मोटर्स थी वो ज़्यादा हैवी यूज़ नहीं करी हुई, ज़्यादा पावर की नहीं है, तो ये जो चढ़ाई है इसमें चढ़ नहीं पा रहा था, तो इसलिए हमने इसको टैंक से टो किया एक सीक्वेंस दिखाने के लिए कि ये कैसे मूव करेगा। अब मैं इसे पीछे से पुल कर रहा हूँ तो ये इजीली मूव हो रहा है, क्योंकि ये जो इतनी चढ़ाई है उसके लिए कैपेबिलिटी इसकी नहीं है। अब ये जो सरफेस है, ग्राउंड सरफेस है, तो मूव कर रहा है, ठीक है। तो जो बैरियर्स हैं उनको भी इजीली क्रॉस कर लेता है, लेकिन अगर आप इसके जो पावर है या मोटर्स है उनको अपग्रेड करते हैं तो ये और ज़्यादा बढ़िया से मूव कर देगा किसी भी सरफेस में। अब हम लोग इसको वहाँ से चलाएंगे रेल में, देखते हैं कैसा मूव होता है। और यहाँ पे देखो ये जो सरफेस है ना, जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था, ये जो सरफेस है ये देखो, यहाँ पे कैसे मूव होगा हमें वो देखना है। तो वहाँ से हमारी जो सेंटरपीट रोबोट है चल गया है, ठीक है। ये देखिए यहाँ से आया इस पॉइंट पे, हमें देखना है वो, देखिए। तो ये इस एरिया को इजीली क्रॉस कर गया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।